बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवाना प्रबद्धते वासुदेव श्रमिति से महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानी व्यक्ति जो ये समझता है कि जो कुछ भी है वह सब वासुदेव ईश्वरी है, मुझे प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। मेरे जैसे जिज्ञासु को लगता है कि स्वामी विवेकानंद का विचार मुझे आत्म स्वतंत्रता से वंचित कर अदृश्य शक्ति की परिकल्पना का मात्र एक पात्र बना देता है, तब ये प्रश्न उठता है कि आधुनिक संदर्भ में स्वधर्म की क्या अवधारणा होगी और उसमें वर्ण क्या स्थान होगा। राधा कृष्ण ने गीता के श्लोक में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख आने पर उस पर विस्तृत टिप्पणी विस्तृत की है। चातुर्वर्ण्य मैया श्रेष्ठ गुण कर्मणि विभागस्ते तस्य कर्तारम् वा विद्यकर्तामयम्। मैंने गुण और कर्म के हिसाब से चार वर्ग की सृष्टि की थी, यद्यपि मैं इसका सर्जन करने वाला हूँ फिर भी तू ये जान रख कि न कोई कर्म करता है न मुझमें कोई परिवर्तन होता है। चातुर्वर्ण्य चार भागों में बटी व्यवस्था या जोर गुण और कर्म पर दिया गया है। ये बात लिंग या जन्म पर निर्भर नहीं है। एक वर्ण मिद्गम पूर्व स्मृति में युधिष्ठिर कर्म विशेषम चातुर्वर्ण्य प्रतिष्ठितम स्वभाव और व्यवसाय द्वारा निर्धारित वर्ण जन्म और अनुवंशिकता द्वारा निर्धारित जाति नहीं है। अंतर जो प्रजाति से एक एवं सहोदर एक यौन प्रतिजय एक शाखे न जायते। महाभारत के अनुसार शुरू में सारा संसार एक वर्ण का था, परंतु बाद में विशिष्ट कर्तव्यों के कारण ये चार वर्ग में विभक्त हो गया। श्रवणों और अनत्य जन्म में भी भेदभाव बुनावटी और अनाध्यात्मिक है। एक प्राचीन श्लोक में ये बात कही गई है कि ब्राह्मण और अंतस्य तो सगे भाई हैं, संकाश वर्णाना दुष्प्रक्षेति मेमति सर्व सर्वा स्वत्पुतानी जनयंति सदा नरा तस्मात् शीलम प्रधान विद्रुष्ट तत्वदर्शी। महाभारत में युधिष्ठिर कहता है कि जातियों का मिश्रण के कारण लोगों की जाति का पता करना बहुत कठिन है। लोग सब प्रकार की स्त्रियों से संतान उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऋषियों के अनुसार केवल आचरण ही जाति का निर्धारण करने वाला तत्व है। चातुर्वर्ण व्यवस्था मानवीय विकास के लिए बनाई गई है। जाति व्यवस्था कोई परम वस्तु नहीं है, इतिहास की प्रक्रिया में इसका स्वरूप बदलता रहता है। आज इसे इसकी अपेक्षा कुछ अधिक नहीं समझा जा सकता है कि ये इस बात के लिए आग्रह सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमुक कार्य अमुक प्रकार किए जाने चाहिए। कृत्यों के आधार पर बने वर्ग कभी भी पुराने नहीं पड़ेंगे और जहाँ तक विवाहों का सवाल है वह विभिन्न लोगों के बीच होते रहेंगे जो सांस्कृतिक विकास की कुछ कमियाँ आदि के एक ही कोष में है। भारत की वर्तमान अस्वस्थ दशा जिसमें अनेक जातियाँ तथा उपजातियाँ हैं गीता द्वारा उपदिष्ट एकता की विरोधी है। यह एकता समाज के प्रमाण वाली धारणा के प्रतिकूल एक साव्यवधारणा का समर्थन करती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों पुण्यात्मा हो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब मित्रों।